मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? ओके, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ठीक है सर, आवाज जा रही है, बढ़िया। तो ये वाला जो सेशन है आप लोग का, वो एक्चुअली जो पेंडिंग था, एक बच गया था, जो मैंने लास्ट बुधवार को सेशन नहीं किया था, ट्रेड नहीं किया था, तो उसी का है ना, जो मैंने कहा था एडजस्ट कर लूंगा। देखिए, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। अभी करेंसी पे आप नजर रखिए, करेंसी पर, ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे भी हम लोग नजर रखेंगे, और अमारा राजा बैटरी पे भी नजर रखना है, और साथ ही इंडसइंड बैंक पे भी। ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, मंडे है, नया वीक है, और मार्केट काफी हाई पे खड़ा है, तो थोड़ा सा देखते हैं। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ है ना, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 233 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है। 233 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया। यहां स्क्रीन विजिबल है ना, और करेंसी भी देखिए, एक छोटा रिस्क अगर लेना है तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा रिस्क बनेगा करेंसी में, जहां पे फिर बाइंग किया जा सकता है। लेकिन अभी जब नहीं, अभी नहीं, जब बोलूंगा करेंसी में कब बाय करना है, मैं बताऊंगा तब बाय करना है, अभी बिल्कुल नहीं करना है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को मैंने बाय किया है 250 क्वांटिटी। समय ऐसे कितना हो रहा है, 9:19:13 और ऑल पोजीशन की बात है, मैं ऑल पोजीशन दिखा दूं अपने व्यूवर्स को। 25 रुपए का लॉस है, 37 रुपए का लॉस है, 12 का लॉस है, और 62 का लॉस है, यही चल रहा है। एक ही ट्रेड है अभी फिलहाल, ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, एक से दो ट्रेड में निपटाना है काम, ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। ठीक है सर, तो यही हमारा अभी पोजिशन 240 टारगेट में भी 240 के आसपास आईबुल का एक टारगेट होना चाहिए। एक टारगेट मैं मान के चल रहा हूं कि आईबुल का एक टारगेट होना चाहिए। फिलहाल वेट कर रहे हैं, और कोई दूसरा ट्रेड नहीं है अभी फिलहाल। कम से कम ट्रेड करना है, कम से कम ट्रेड करना, एक दो ट्रेड में ही अगर निपट जाए तो अच्छी बात है। देखिए एसएल कट गए, इंडस्ट्री, ये आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के 562 रुपए का लॉस बुक हो गया, ठीक है, 562 रुपए का लॉस बुक हो गया। करेंसी जब बोलूंगा तब, अभी नहीं, करेंसी का लेवल अभी आया नहीं है, वो लेवल आएगा तब मैं बताऊंगा। एक्चुअली अगर यहाँ पे भी करते हैं तो ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, छोटा सा रिस्क है, लेकिन एक साइडवेज है करेंसी का माहौल। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, सॉरी करेंसी, थोड़ा वेट कर रहे हैं करेंसी में, एक लेवल खुल जाए। अगर जिनको लेना है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, देखिए ओनली एकदम छोटा स्टॉप लॉस, 10 क्वांटिटी में ले रहा हूँ, 72 एक छोटा स्टॉप लॉस, 61 या 60, इससे छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ पे बढ़िया स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है जाएगा तो बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत ही छोटा पॉइंट है जाने का।
इनफ्यूशियल साइड, ओके सर, चेक करते हैं। इंफोसिस को भी चेक कर लेंगे हम लोग। अभी इंफोसिस में सेल की बात हो रही है, सेल जैसा सेल करेंगे 1314 के नीचे, 1314 के नीचे। ये करेंसी का ट्रेड है सर, करेंसी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लिया, बिल्कुल 72.62 का बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, इससे छोटा स्टॉप लॉस शायद ही बने, जाएगा तो भी बहुत छोटा रिस्क जाएगा। हमारा राजा बैटरी पे, जैसा कि मैंने कहा है, नजर रखना हम लोगों को, हमारा राजा बैटरी पे है ना, वेट कर रहे इसके लेवल। MFSL को बाय कर रहा हूं 150 क्वांटिटी 814 के स्टॉप लॉस के साथ। और चेक करते हैं इंफोसिस में, अभी ऐसा कुछ नहीं है खास। इंफोसिस सेल साइड तो बिल्कुल नहीं, सेल तो 1314 के नीचे ही करेंगे। MFSL में प्रॉफिट हो रहा है, एक मिनट है। चल तो ये MFSL लिया है और देखते हैं, MFSL 825 का एक टारगेट होगा यहां पर, 825 का। इंडसइंड बैंक इंडसइंड बैंक भागता चला जा रहा है, तो गैप अप खुला, एक रेजिस्टेंस है यहां पर, इसलिए इसमें बाय का रिस्क नहीं ले रहा हूं। MFSL वेट कर रहे हैं। छोटा रिस्क है हमारा राजा बैटरी में,
एक लोएस्ट पॉइंट से एंट्री लिया है, 944 तक इसको जाना चाहिए और फिर 960 तक भी जा सकता है, 958 तक जा सकता है, 445 का प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली इसका सही स्टॉप लॉस जो होगा, कहीं ना कहीं ये स्विंग लो हमारा होगा, सही स्टॉप लॉस यही होगा 914। लेकिन अगर यहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है ना, रिस्क भी बहुत बड़ा बन रहा है अगर वहां पे लगाते, इसलिए अभी मैंने छोटा सा रखा हुआ है। हमारा राजा बेट एसएल, एक्चुअली एसएल सही एसएल 914 है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं वो ले नहीं रहा हूं, और इसलिए मैंने 920 के आसपास रखा है स्टॉप लॉस, 920 के पास स्टॉप लॉस रखा है, स्टॉप लॉस 920 है सर। एक रिजेक्शन इसको नीचे से मिल रहा है, इस रिजेक्शन पॉइंट को प्ले कर लेंगे हम लोग। अब वेट करेंगे इसमें, बस ये लास्ट ट्रेड होगा अंतिम। एक करेंसी में इधर लगा हुआ, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, ये तो लग रहा है जैसे फ्रीज हो गया, करेंसी तो जैसे लग रहा है कि फ्रीज हो गया, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये तो एकदम फ्रीज है एकदम जगह पे। हाँ 920 बिल्कुल 920 के पास हमारा राजा का सही स्टॉप लॉस, करेक्ट स्टॉप लॉस होता है 914 का, जो कि एकदम स्विंग लो है, लेकिन वहां चूंकि रिस्क हमारे पास ज्यादा हो रहा है, इस वजह से मैंने वो स्टॉप लॉस रखा नहीं है। ठीक है, तो ये जो लो है यही हमारा करेक्ट स्टॉप लॉस होगा, बाकी एक 944 का एक टारगेट बन सकता है हमारा राजा बैटरी में, और 955 तक जाने के चांस बनेंगे। अगर इसने ऊपर की मूव किया तो बड़े टारगेट भी बन सकते, फिर बड़े टारगेट भी बनेंगे, 965 तक भी जा सकता है, लेकिन वो दिन भर का टारगेट होगा, जैसे उस दिन सन टीवी में था ना दिन भर का टारगेट, तो वैसे फिर वो दिन भर का टारगेट होगा, तो कोई दूसरा ट्रेड नहीं करना है, बस हमारा राजा बैटरी पे। मैं अभी सेफली थोड़ा सा स्टॉप लॉस को नीचे कर लेता हूँ, सेफली कहीं स्पाइक ना लगा दे, इस वजह से थोड़ा सा भी नीचे रखूंगा, और ये नहीं कहो कि मेरा ये परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा, ये मैं मॉडिफाई करके ऊपर ले आऊंगा, तुरंत से मॉडिफाई करके ऊपर ले आऊंगा, इसलिए मेरा करेक्ट स्टॉप लॉस के पास में फिलहाल मैं रख रहा हूं, लेकिन मैं जैसे ये ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा मैं स्टॉप लॉस तुरंत ऊपर कर लूंगा, क्योंकि ये बड़ा रिस्क हमारे पास बड़ा बन रहा है, हालांकि टारगेट उस हिसाब से बड़ा है, अभी वेट करेंगे इसमें। हाँ वो जैसे बोला क्या बिहेव करेगा करेंसी पता नहीं, बहुत छोटा है, ये तो गुस्सा के चलना स्टार्ट हो गया पॉजिटिव, वाह कमाल हो गया सर, नहीं देखते। क्या रिजल्ट आता है आपको बोलने का, वेट कर रहा था, देखिए ना, इससे छोटा स्टॉप लॉस तो करेंसी में मैंने नहीं देखा है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है करेंसी में, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। ये छोटा ट्रेड हम लोगों का इधर हमारा राजा बैटरी में, तो यही दो ट्रेड अभी फिलहाल रहेंगे, तीसरा कोई ट्रेड अभी आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना, समय हो रहा है 9:49:40 वेट करेंगे इसका, दिन भर का इसका टारगेट, फुल टारगेट 965, दिन भर का फुल टारगेट 965, ऐसे पहला टारगेट 944 होगा,
9:40 के आसपास भी आप लोग निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, दूसरा 9:55 के आसपास और फिर 9:65, ये दिन भर का टारगेट हो। अगर हमारा 920 टच करे तो लॉस बुक करते हैं। हाँ मैंने थोड़ा मॉडिफाई क्या कहा था आप लोगों को, सेफ स्टॉप लॉस जो है ना वो 9:15 के 14 के आसपास हो रहा है ना, क्योंकि रिस्क हमारा वहां पे बड़ा है तो मैं वहां पे रिस्क नहीं लेना। करेंसी सच में गुस्सा आ गया, ये तो एकदम फोड़े जा रहा है ऊपर, 700 हो गया था अभी, नहीं देखिए एकदम अपने हाई पॉइंट को टच कर दिया, आज का जो दिन का हाई था उसको टच कर दिया, और फिर वहीं से रिजेक्ट भी हो रहा है। बस एक हमारा राजा बैटरी है मेरा, ये सही से निकल ले, इसमें पच्चीस क्वांटिटी मैंने इंक्रीज किया है फिलहाल, वेट कर एक बार ये बैरियर तोड़े 9:30 तो फिर एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। और इधर करेंसी वो क्या है, मोस्टली योर सेल साइड व्यू इज स्ट्रॉन्गर देन बाय साइड, सेल साइड का व्यू ज्यादा बेहतर है नहीं। मार्केट बिहेवियर पे डिपेंड करता है बलवीर जी, मार्केट के हिसाब से बदलना पड़ता है, अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो मार्केट फिर आपको कहीं कहीं बदल देगा, है ना। देखिए हमारा राजा बैठी यहाँ पे, तो मार्केट जो कहता है आपको वो करना है, हम जो कहेंगे मार्केट वो नहीं करेगा, जो मार्केट कहेगा हमको वो करना है ना, हम लोगों को मार्केट कभी भी जैसे चेंज होगा तो हम लोग को भी चेंज होना पड़ता है, नहीं चेंज होंगे अकड़ के बैठे रहेंगे, तो मार्केट को अकड़ पसंद नहीं है किसी का भी। मार्केट को सबसे ज्यादा अकड़ है, वो कहता है कि भाई मैं जैसे चलाता हूं वैसे तुम चलो, तुम्हारे कहने से मैं नहीं चलने वाला। नाइन थर्टी ब्रेक कर नहीं रहा, 9:30 मन्नपुरम आज पॉजिटिव, सर मन्नपुरम पॉजिटिव है तो रहने दीजिए, वो मेरा इंट्राडे ट्रेड वो उसमें होता नहीं, मेरा तो लॉन्ग टर्म व्यू आपको पता है, बाल बच्चे वाला फिक्स डिपॉजिट है वो, एफडीएम मन्नपुरम, मैंने तो पहले भी कहा कि मन्नपुरम स्टॉक जो है, अडानी इंटरप्राइजेस पता है आज 700 का स्टॉक है, अडानी इंटरप्राइजेस 700 का स्टॉक है, और किसी ने भी अगर मेरा दिवाली 2019 वाला पिक्स देखा होगा, जिसने दिवाली 2019 में मैंने इसको रिकमेंड किया था, याद करके दिवाली 2019 से दिवाली 2020 के लिए अडानी इंटरप्राइजेस को मैंने रिकमेंड किया था, उस वक्त अडानी इंटरप्राइजेस 180 या 190 के भाव पे था, मेरे ख्याल से 180 था ना या 230 था दिवाली 2019 के समय में, देखते हैं चलिए 2019 अडानी इंटरप्राइज 280 या 230 कुछ ऐसे था दिवाली 2019, देखिए नवंबर है ना, नवंबर में दिवाली था, देखिए 200 है ना, नवंबर 2019 में ही दिवाली था, नवंबर की बात कर रहा हूँ, 2019 की 20 की नहीं, 2019 से 20 के लिए दिया था इस स्टॉक को 200 के भाव पे अडानी इंटरप्राइजेस को, और आज वही अडानी इंटरप्राइजेस 700 का भाव हो चुका है ओनली दो साल में, दिवाली 2019 से 20 और 2020 से ये चार, यानी डेढ़ साल के अंदर अडानी इंटरप्राइजेस सोचिए 200 का स्टॉक 750। लेकिन पैसा लोगों ने नहीं बनाया होगा यहाँ पे इसमें, जिन लोगों ने क्योंकि जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट गिरा वो कोरोना काल में, तो बहुत सारे लोगों के तो कमजोर हृदय वाले तो ये हो गए ना, बाहर निकल गए कमजोर हृदय वाले। हर्षित जी का सवाल है कि करेंसी का टारगेट क्या होगा, करेंसी का टारगेट होगा 72.80 का टारगेट करेंसी का। आप पहला टारगेट 74 के आसपास भी बुक कर सकते हैं, 80 के पास, ठीक है। और इधर हमारा तो वो जो पेंडेमिक सिचुएशन आया ना कोरोना काल, उसमें
ये वो हो गया, लोग निकल गए होंगे, और जो लोग निकल गए उन्होंने पैसा नहीं बनाया, जो लोग टिके रह गए देखिए वो आज फोड़ के पैसा बना रहे। देखिए हमारा राजा 800 का प्रॉफिट हो गया, 900 हो गया, देखिए ये तो ये भी एकदम ठीक चल रहा है। तो बाइंग हुआ है 926 के आसपास में, 930-32 चला गया, 6 पॉइंट आ रहे, जिसको बुक करना बुक करे अपना प्रॉफिट। ऐसा मुझे लगता है कि लोगों ने उसमें डर से निकले होंगे और जबरदस्त तरीके से फिर उसने अच्छा बाउंस किया अडानी इंटरप्राइजेज ने, बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है ना, ऑलमोस्ट 1:10 करेंसी में ना सर, उसके टारगेट मेरे कैलकुलेशन मेरा स्टडी के हिसाब से वही टारगेट आ रहा है आज का, देखते आता है या नहीं। पहला टारगेट 75 का होगा, 72.75 का टारगेट, और उसके बाद जो 72.80 का टारगेट, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है तो सर 1:10 लेंगे रिस्क रिवॉर्ड, क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम। समय तो अभी 9:10 बज गया ना, घंटी मार दिया 10 बज गए, 3 मिनट आगे है मेरा घड़ी, यहाँ 9:57 ठीक हो रहा है 33 सेकंड। प्लीज टेल वन मोर द टाइम हमारा राजा बैटरी, हमारा राजा बैटरी का टारगेट 940 एंड 955 एंड 965। ठीक है, वेट करेंगे, और करेंसी का टारगेट 72.75 एंड 72.80। ये करेंसी देखिए बहुत शानदार चल रहा है, गले को लगे थोड़ा समय ज्यादा परेशान, इतना बोलना पड़ता है ना, इतना बोलना पड़ता है, इतना कहना पड़ता है लोगों से। मेरे गले का पूरा ये हो गया ऑपरेशन, लगता है जैसे कि किसी ने कर दिया है अंदर। वाह बहुत बढ़िया, बुक 4 पॉइंट, ओके अनिश जी ने 4 पॉइंट हमारा रजम बुक कर लिया, वाह अनिश जी फ्री हो गए, हमारा राजा से अनिश जी फ्री हो गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एयरटेल में बुक कर, एयरटेल में बुक किया, ओके भारतीय एयरटेल में, ओके तो भारतीय एयरटेल के टारगेट तो डन हो गए ना हमारे, एक टारगेट है ना, भारतीय एयरटेल दिया था। हाई लगा दिया 603 का, तो फर्स्ट टारगेट तो डन हो गया है ना, ओके बढ़िया। बुक एयरटेल, ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने एयरटेल बुक कर लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। करेंसी पहला टारगेट 1000 का प्रॉफिट, 10 क्वांटिटी लिया है, 972.75 के आसपास का या 73.4 के आसपास भी बुक कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट की तरफ जा रहा है भाई बहुत बढ़िया से, और इधर हमारा राजा बैटरी भी सही चल रहा है। 40 का इसमें पहला टारगेट, 44, 55, 60, 65 ये सब टारगेट है, वेट कर,
करेंसी 1000 बुक कर लिया शशांक जी ने, अच्छा ठीक है चलिए, करेंसी बहुत अच्छे से चलता चला जा रहा है, बहुत इसे शानदार पहला टारगेट की तरफ। शशांक जी ने भी बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। इन अशिंद क्या आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 207 पे बाय किया है? सर उसमें बाय कर लिया है आपने, उससे तो मैं उस वक्त मना कर रहा था। 227 पे बाय कैसे किया है सर? बाय करने वाले हैं क्या? 220 पे बाय किया है। अच्छा 220 पे बाय किया है, तो फर्स्ट टारगेट सर 25 के आसपास का होगा, 225 का। सही जगह आपने बाय किया है। ऐसे करेंसी को देखना ही नहीं, देखूंगा तब जब वो टारगेट 72.80 पर आएगा, इसका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूं ऐसे, ताकि यहां से मेरा कुछ लॉस नहीं होगा करेंसी। क्लियर है ना? और इधर हमारा राजा बैटरी, इधर हमारा राजा बैटरी भी सही चल रहा है, तो जैसा कि कहा था कि मैं स्टॉप लॉस को उठा लूंगा, तो मैं स्टॉप लॉस को अब यहां से उठा लेता हूं 20 पर। ये देखिए मैंने 20 पर रख दिया, तो छोटा कर दिया स्टॉप लॉस अब, ठीक है छोटा हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब वेट करेंगे हम, और तीसरा कोई भी ट्रेड अभी फिलहाल नहीं, समय हो रहा है 10:04:10। कदम जी आईबुल का टारगेट डन हो गया 225 वाला है ना? हम लोग हमारा राजा में बैठे हैं और हम लोग करेंसी में बैठे वेट करते हैं बस। और एक्सिस बैंक तो बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में बोला है था 750 के ऊपर वो टारगेट 775 और 1000 का टारगेट 800 का टारगेट हो जाएगा, और हमारा राजा भी देखिए 1150 के प्रॉफिट हो गए। तो जो टारगेट था आप लोग के टारगेट पहुंचते जा रहे, जिनको बुक करना है बुक करें, और इधर करेंसी भी सही चल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल बने हुए हैं। अच्छा आप सिर्फ पूछ रहे हैं M&M के बारे में, सिर्फ पूछ रहे, करना नहीं है, नहीं करना, मैं पहले भी बता रहा हूँ करना भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड हम लोगों के एक्टिव है ना, अच्छे खासे ट्रेड एक्टिव है, प्रॉफिट में दो ट्रेड, तो फिर क्यों तीसरा में हाथ लगाना? ओवर ट्रेड करके क्या होगा? M&M सर बाइंग का जोन में है, लेकिन 915 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। नहीं नहीं ये माइक्रोफोन प्रॉब्लम कर रहा था, वही ऑल क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था, ऑल क्वेश्चन यही है। करेंसी में 750 का चल रहा है, हमारा राज्य में 280 का, और आईबुल में 562 लॉस लिया था, एक MFSL लिया था 766 जो सुबह में, लॉस कोई बड़ा नहीं है 300 का लॉस है, लेकिन हमारा राज्य बैटरी पे भरोसा है कि हमारा राज्य बैटरी ऊपर जाएगा, और वेट कर रहा हूँ इसके टारगेट के लिए। दूसरा एक करेंसी का टारगेट है 72.80 वाला एक टारगेट है, उसका भी वेट कर रहा हूँ, यही दो टारगेट वेट करो। 9 क्या लिख रहे हैं, 300 लॉस एंड इवनिंग टिल कम 5000 प्रॉफिट, नहीं देखता हूँ क्या आता है, अभी 118 का ही लॉस है खाली, 100 रुपए का लॉस है, 24 का प्रॉफिट हो गया। देखिए
तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। अभी 200-250 का लॉस है, 200 का कोई खास नहीं है, वेट करेंगे। मैं तो लेट तक वेट करने वाला आदमी हूँ। दोस्तों समय हो रहा है 11:56:46, हालांकि 12 बज गए लगभग। 1500 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा राजा बैटरी में। मेरा टारगेट 944, 955 और 965 का होगा, लेकिन ऑल पोजीशन में पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए 700 का ही प्रॉफिट है, ज्यादा नहीं है। क्यों? आपने सुबह में देखा MFSL में हमारा लॉस हुआ, लेकिन फिर ऊपर गया, बहुत कमी ना बहुत ऊपर तक चला गया। देखिए कितना ऊपर गया, हमारा SL है 816 वाला काटा, और उसके बाद देखिए कमी ना 840-845 चला गया। देखिए कितना जबरदस्त ना SL काट। मैंने इस पे मैं बिल्कुल सही था, डिसीजन मेरा बिल्कुल पॉजिटिव था कि भाई इसको ऊपर जाना है, और ये ऊपर गया। मैंने भी आप लोगों को दिया, दोबारा से भी दिया, और फिर आपको उसमें प्रॉफिट बुक करवाया। मैं एक बार SL कटा, लेकिन मैंने दोबारा आपको दिया, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करवाया। तो यहाँ पे देखिए सारे टारगेट डन हुए MFSL पे, लेकिन बदकिस्मती की SL कट गया हमारे तब। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी सेम कंडीशन पे, वो भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमारा SL काटने के बाद। तो खैर ऐसी चीजें हो जाती। तो दो ट्रेड ही हमारे पास अब बचे हैं, हमारा राजा और करेंसी, जो कि मैं प्रॉपर बैठा हुआ हूँ दोनों में, और 584 का प्रॉफिट चल रहा है। तो हमारा राजा भी थोड़ा मैं बड़ा टारगेट देख रहा हूँ, बड़ा टारगेट की उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, अगर देखिए करेंसी का SL कट जाता है, अभी 1000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो मैंने करेंसी का स्टॉप लॉस ऊपर रखा हुआ है। कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 400 का प्रॉफिट लेके बाहर अगर नहीं कटेगा तो चलता रहेगा अपना। बाकी हमारा राजा का मैं बड़ा टारगेट उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे ये टारगेट बड़ा देगा, कम से कम यहाँ से 3000 तक के टारगेट देने चाहिए हमारा राजा बैटरी में। तो मैं वेट करूंगा इसके लिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, 12 बज रहे हैं आपको जैसा पता ही है, 11:58:15, तो रिकॉर्डिंग भी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, देखिए समय दिखा दूं 12:46:17, और जैसा कि कहा था कि 940 के आसपास टारगेट आएगा हमारा राजा में, आ चुका है 2400 के आसपास का हमारा राजा में प्रॉफिट चल रहा है। करेंसी में 850 के आसपास का प्रॉफिट है, और इधर दो ट्रेड जो लॉस में हुए MFSL और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो बाकी ओवरऑल मेरा 940 वाला टारगेट हमारा राजा मांग गया, तो मैंने अपना 1850 वाले जो मेंबर होते हैं, जो ग्रुप मेंबर, उनको भी मैंने 940 के आसपास का एक टारगेट दिया था, 926 के आसपास की बाइंग है, और ये काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो ये राइट टाइम है यहाँ से एंट्री एग्जिट करने का, तो मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, और ओवरऑल जो पोजीशन आपने लॉस में देखा तो वो सारे पोजीशन मेरे प्रॉफिट में आ गए। तो मैं यहाँ से कट कर लूंगा हमारा राजा बैटरी को, सिर्फ USD INR का मैं पोजीशन में बना रहूंगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल रहा है सही सही, और इसके 2400 प्रॉफिट में बुक कर लूंगा। तो ये पोजीशन है हमारा राजा प्रॉफिट से बुक करूंगा और कर रहा हूँ, और करेंसी में मैं बना रहूंगा। उसके बाद जो भी करेंसी का होगा आपको खुद ब खुद उसका रिजल्ट आपको बाद में पता चल जाएगा दोस्तों। तो यही कुल मिला के ट्रेड है जो आपके सामने है दोस्तों।